हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक तो आइए मूव करते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट पार्ट uh, है एंड आज का इस वीडियो का टॉपिक हमारे पास बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं या हम लोग कभी बात करते हैं बहुत बार होता है ना कि हम लोग अपने स्टेट ऑफ माइंड में स्टेबल uh, नहीं होते हैं पर्सन बहुत दूर होता है कभी कभी फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं तो ये जितने भी जो इश्यूज uh, होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बैरियर्स ठीक है जो हमें जो कम्युनिकेशन करने में जब प्रॉब्लम आती है दैट इज नोन एज द बैरियर्स ठीक है कभी कभी देखो ना अपने जो uh, सड़क पर आप जाते हैं तो पुलिस की जो बैरिकेटिंग लगी होती है तो दैट इज द बैरियर ठीक है तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर ठीक है तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है दैट टू स्टार्ट हमारे जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या हम है हम गुस्से में हैं या खुश हैं बहुत ही ज्यादा uh, मतलब एक्साइटेड हैं ठीक है थीके? हम लोग चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे इतनी खुशी में ठीक है या हम लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हम लोग uh, हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है हमारे दिमाग में कोई टेंशन चल रही है तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर ठीक है कभी भी अगर इंसान uh, किसी प्रॉब्लम में होता है तो उससे समझदारी वाली बात ना ही की जाए तो अच्छा है ठीक है हम लोग कहते हैं कि इससे तब बात करना जब ये होश हो आवाज में होट मीन टू से जब ये प्रॉपर या जब ये नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हो तब हमें बात करनी चाहिए क्लियर है तो इमोशन ठीक है आगर एंग्जाइटी डिप्रेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग चीजों का बहुत बार गलत तरीके से ले लेते हैं अपने साथ क्लियर है स्टेट ऑफ माइंड एज ए टोटली स्टेट ऑफ माइंड और साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल में एक्ट एज अ बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास परसेप्शन तो डिस्ट्रॉक्शन डाउन इन द कम्युनिकेशन जैसे कि एग्जाम्पल है वी रिसीव अ मैसेज फ्रॉम अ पर्सन वी हेट और डू नॉट ट्रस्ट अवर इमीडिएट रिएक्शन विल बी वन ऑफ द डिसग्रीमेंट विद द मैसेज ठीक है कि हम लोग किस तरीके से अपना परसेप्शन लेते हैं या सिंपल सी वही बात है कि देखने का नजरिया ठीक है देखने की नजरिया है कैसे होता है टेंडेंसी टू इवेलुएट ठीक है तो दिस वॉट इज कि भैया हम लोग किस तरीके से चीजों को इवेलुएट करते हैं किस तरीके से हम लोग समझते हैं पार्क में अगर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के पार्टनर हो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो या बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि वो भाई बहन भी बैठे हो सकते हैं ठीक है थीके? तो वो हम लोग किस तरीके से लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्लियर है तो चीजों को जब तक कि हम लोग सही तरीके से इवेलुएट ना कर लें हमें अपने रिजल्ट पे नहीं आना चाहिए क्लियर है नेक्स्ट इज द इन अटेंशन दैट इज वॉट की लैक ऑफ अटेंशन इज अ कॉमन बैरियर टू द कम्युनिकेशन ठीक है कि हम आपसे बात, बात कर रहे हैं लाइव बात कर रहे हैं या हम लोग uh, uh, किसी के थ्रू बात कर रहे हैं आपका ध्यान ही नहीं है आप फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन आप मेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं है क्लियर है मेंटली आपका दिमाग मूवीज में लगा हुआ है मेंटली आपको ये लग रहा है कि अरे यहाँ वहां पे मैच चल रहा है मैच देखना चाहिए लेकिन आप प्रेजेंटली घर में बैठे हुए हो ठीक है तो दैट इज द इन अटेंशन ठीक है आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो मतलब जो हमें मैं बात कर रहा हूं क्लियर है नेक्स्ट टॉपिक आता है, semantic barrier. Semantic barrier क्या होता है? ना आते हो जैसे कि आपके इस स्क्रीन पे आ रहा है क्लियर है थैंक यू का मतलब क्या है कि थैंक यू का मतलब जापनीज में ये होता है और इंग्लिश में थैंक यू मतलब ये होता है तो अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे थैंक यू तो इसका मतलब होता है ना कि धन्यवाद लेकिन अगर हम लोग वही जापनीज में बोल दें कि थैंक यू तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे हम लिख के भी देते तब भी आप नहीं समझ पाएंगे दैट इज सिमेंटिक बैरियर ठीक है हम लोग कुछ, कुछ ऐसी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं जो सामने वाले को नहीं आती है ठीक है वो हम बताना तो चाह रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे वो डीकोड ही नहीं कर पा रहे क्लियर है नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है एज दिस सच की बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज में हमारे क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है कंपनी वेरी गुड रेपुटेटेड कंपनी इज हैविंग अ वेरी वेरी सेवरल डिपार्टमेंट्स ठीक है तो सेवरल डिपार्टमेंट्स में क्या होता है जितना ज्यादा लंबा चेन होगा उतना ही टाइम लगता है मैसेज को फ्लो में भाई उन्होंने कहा कि भैया जो जो सीनियर अथॉरिटी आपके मैनेजर ने कहा या कंपनी के सीईओ ने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है कि ट्वेंटी सिक्स जनवरी को छुट्टी होगी और वहां हम लोगों के ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग होगी और मतलब कि जो भी एक हमारे साथ लंच होगा सबके साथ ठीक है सीईओ ने ये कहा ठीक है उसके नीचे जो मैनेजर थे वो आपके उन्होंने ये कह दिया कि भैया हाँ छुट्टी होगी और लंच होगा ठीक है बस उन्होंने पार्टी के मतलब की है कि फ्लैग होस्टिंग के बारे में नहीं बताया ठीक है तो ये चीज है यहां से एक गैपिंग हो गई ठीक है फिर नेक्स्ट बाद लेवल में मैसेज आया कि भैया ट्वेंटी क्या है छुट्टी है ठीक है बस छुट्टी है समझ में आया लेकिन लंच के बारे में या फ्लैग होस्टिंग के बारे में कुछ नहीं समझा ठीक है थीके? तो ये चीजें होती है कम्युनिकेशन बारियर इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती है उतना मैसेज क्या होता है वो कम होता जाता है या बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर ऊपर से हमारा कुछ एक मैसेज सर्कुलेट होता है तो वो नीचे आते आते कहानी बन जाती है ठीक है? को हटाने के लिए या तो हम लोग एक नोटिस सर्कुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू आपके मोबाइल फोन में या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बुलेटिन बोर्ड में नोटिस लगा सकते हैं क्लियर है? जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी टाइप के मैसेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्लियर अब हम लोग आते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर में ये क्या होता है फॉल्टी टेलीफोन लाइन प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एंड हेयरिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल बैरियर ठीक है फॉल्टी फोन बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं पापा से बात कर रहे हैं तो बहुत बार नेटवर्क नहीं आता ठीक है तो नेटवर्क नहीं आता है, वो भी हमारा क्या हो गया एक बैरियर हो गया क्लियर है बहुत आंधी तूफान आया बहुत बहुत हवाए चल रही है मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वो, वो उस, उस दिन बहुत ही क्रुशियल है उस दिन आपके घर पे न्यूज पेपर नहीं आया तो वॉट इज दिस दिस इज द फिजिकल बैरियर क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या प्रिंसिपल्स है ये देखते हैं और ये जो टॉपिक है जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपके अंडरग्रैड में भी काम आएगा ठीक है जब आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो वहां पे भी मैनेजमेंट uh, में ये टॉपिक्स हैं क्लियर है तो ध्यान से इसको समझिएगा तो सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर आप मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कुछ भी आप बता रहे हैं किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर सामने वाले को बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं या मैं कोशिश पूरी करता हूं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कि मेरे हर एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आए ठीक है इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बनाता हूं जिससे कि आप लोग को आ, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है चाहो तो मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि इंग्लिश में समझाएंगे तो शायद कहिए कि बहुत बच्चों को समझ में ना आए इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जाएं जाए है तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमारे पास है क्लैरिटी कि आप जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही लाउड होना चाहिए इतना भी लाउड नहीं ठीक है मतलब कि आप आराम से सुन सकें

Clear, clear next. Use short and familiar words, use personal pronouns, give illustrations and the examples. Okay, just to make them uh, make understand your short sentences and the paragraphs. Clear, so that is the first step of the clarity. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ठीक है तो यहाँ पे आप जब भी बात कर रहे हैं तो उस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है देखें तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ाना ठीक है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट यू आर जस्ट स्टडिंग ठीक है तो यहाँ पे चीजें क्या है कि मैं कोई बात करूंगा आपसे तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे आपको नॉलेज देनी है अगर आप हमसे बात करेंगे तो आपका भी ऑब्जेक्टिव है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं तो यू जस्ट नीड टू जस्ट क्लियर आउट ऑल द डाउट क्लियर है तो यहाँ पे हर एक का बात करने का ऑब्जेक्टिव होता है ठीक है यहाँ पे हर एक कोई फ्री नहीं बैठा हुआ क्लियर है तो कभी भी हम लोग कोई बात करते हैं ऑब्जेक्टिव शायद कहें हमें मंसी मजाक करना है या हमें कोई काम की बात करनी है या हमें कुछ सीखना है तो हर एक चीज का हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है इस पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस ठीक है तो कंप्लीटनेस जैसे वर्ड में ही है कि कंप्लीटनेस तो आपके जो शब्द हैं जो सेंटेंस है वो पूरा होना चाहिए ठीक है जिससे कि हमें जो भी एक्शन करना है जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो हमें क्लियर समझ में आए इफ आई से क्लोज इट ठीक है तो क्या क्लोज करना है वार्ड्रोब क्लोज करनी है डोर क्लोज करना है या विंडो क्लोज करनी है क्या क्लोज करना है तो हमें अभी क्लियर नहीं है मैं कह दूं कि वो राम पढ़ रहा है ठीक है तो राम क्या पढ़ रहा है इंग्लिश पढ़ रहा है हिंदी पढ़ रहा है मैथ्स पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है वो क्लियर नहीं है इफ आई से क्लोज द डोर तो दैट मीन्स कि मुझे बंद क्या करना है डोर बंद करना है ठीक है राम इज स्टिंग मैथ्स ठीक है या राम इज लर्निंग साइंस तो राम क्या लर्न कर रहा है वो साइंस लर्न कर रहा है तो जो भी मैं बोल रहा हूँ दैट इज टू कंप्लीट ठीक है बहुत ही इजी है उसको हैंडल करना मतलब पूरा ही वो सेंटेंस कंप्लीट है तो आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ठीक है तो कंसिस्टेंसी मीन टू से वर्ड कि कभी भी हम लोग कोई बात कर रहे हैं कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो उस कंपनी का या किसी का भी जो गोल होता है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए ठीक है ये नहीं कि गोल इधर जा रहा है आप बात उसी से कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं तो आप टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पूछेंगे क्लियर है कि इंपॉर्टेंट क्या है या इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है या कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो यू आर योर एम टू क्लियर द एग्जामिनेशन ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स और द ट्यूटर क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक ठीक है तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आपने उसको सुना आप कुछ बोलेंगे तो हम भी कुछ सुनेंगे तो देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन ठीक है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा क्लियर है तो यहां पे कभी भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं ही बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं लेकिन आप वहां से कुछ क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहे कुछ डाउट्स ही नहीं हो रहे क्लियर है तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टाइम ठीक है तो अगर हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग एग्जामिनेशन से पहले उसके बारे में बात करेंगे ना दिवाली की बात कोई पढ़ाकर तो छुड़ाता नहीं है अब भैया मैथ्स में मैथ्स का तुम्हारा पेपर हो गया लेकिन अगर अब हाँ, हम तुमसे भैया ऐसा है और तुमको हम मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ा दे या वो चैप्टर पढ़ा दे ठीक है तो अब तो वो चैप्टर पढ़ने कोई फायदे नहीं ना क्योंकि उसका तो पेपर हो चुका है तो दैट नीड्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है कि आप किस टाइम पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं टाइमिंग इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन ठीक है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है सिंपल सा वर्ड है अटेंशन ठीक है कि कभी भी अगर जो सेंडर आपको मैसेज दे रहा है अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो यू हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली एज वेल एज मेंटली ठीक है तो आपका अटेंशन मेरे पास होना चाहिए मेरे ऊपर होना चाहिए ठीक है और मेरा अटेंशन क्या होना चाहिए मेरे सारे बच्चों के ऊपर जितने भी मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ या क्लास के ऊपर होना चाहिए क्लियर है तो दैट इज अटेंशन ठीक है तो विदाउट अटेंशन देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ठीक है जिसको सक्सेसफुल कौन सा होता है टू वे कम्युनिकेशन क्लियर है तो आज ये हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया और कम्युनिकेशन क्लास नाइन का बहुत ही अच्छे से एंड टू कंटिंग वेरी सेवरल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो क्लियर है तो वहां पे ऑनलाइन uh, क्लासेस चल रही है तो आप आके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं टिल देन बाय एंड थैंक यू वेरी मच